अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद हमारे चैनल सच्ची बातों में। आज हम बात करने वाले हैं नमाज ईदेन के कुछ मसाइल के बारे में जो सही बुखारी में दर्ज है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक दरख्वास्त है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सच्ची बातों को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल ऑन कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली अगली तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हदीस नंबर 1, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा एक मोटे रेशमी कपड़े का चखा लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, जो बाज़ार में बिक रहा था। कहने लगे, या रसूलुल्लाह, इसे ख़रीद लीजिए और ईद और वफूद की पजराई के लिए इसे पहनकर जीनत फरमाया कीजिए। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह तो वो पहनेगा जिसका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। इसके बाद जब तक अल्लाह ने चाहा उम्र रही। फिर एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इनके पास एक रेशमी चगा तोहफे में भेजा। उमर रज़ी अल्लाह अन्हा ने इसे लिए हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कहा कि या रसूलुल्लाह, आपने तो ये फरमाया कि इसको वो पहनेगा जिसका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं, फिर आपने ये मेरे पास क्यों भेजा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने इसे तेरे पहनने को नहीं भेजा बल्कि इसलिए कि तुम इसे बेचकर इसकी कीमत अपने काम में लाओ। नंबर 2, एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर तशरीफ़ लाए। उस वक्त मेरे पास अंसार की दो लड़कियां जंगबाज के किस्सों की नज़्म पढ़ रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर पर लेट गए और अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। इसके बाद अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा आए और मुझे डांटा और फरमाया कि ये शैतानी बाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में। आखिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी तरफ मुतवज्जा हुए और फरमाया कि जाने दो, खामोश रहो। फिर जब अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा दूसरे कामों में लग गए तो मैंने उन्हें इशारा किया और वो चली गई। नंबर 3, और ये ईद का दिन था। जबशा के कुछ लोग ढालों और बर्छों से खेल रहे थे। अब वो खुद मैंने कहा कि या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम ये खेल देखोगी? मैंने कहा, जी हाँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपने पीछे खड़ा कर लिया। मेरा रुखसार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखसार पर था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कि खेलो खेलो ऐ बनी अरफदा। ये जबशा के लोगों का लकब था। फिर जब मैं थक गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस? मैंने कहा, जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ। हदीस नंबर 4, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के दिन खुतबा देते हुए फरमाया कि पहला काम जो हम आज के दिन ईदुल अज़हा में करते हैं यह है कि पहले नमाज पढ़ें फिर वापस आकर कुर्बानी करें। जिसने इस तरह किया वो हमारे तरीक पर चला। हदीस नंबर 5, अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा तशरीफ़ लाए तो मेरे पास अंसार की दो लड़कियां वो अशआर गा रही थी जो अंसार ने बास की जंग के मौके पर कहे थे। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा कि ये गाने वालियां नहीं थी। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में शैतानी बाजे और ईद का दिन था। आखिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा से फरमाया कि अबू बकर, हर कौम की ईद होती है, आज ये हमारी ईद है। हदीस नंबर 6, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फितर के दिन ना निकलते जब तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद खजूरें न खा लेते। और मजदी बिन रजा ने कहा कि मुझसे उबैदुल्लाह बिन अबी बकर ने बयान किया है कि कहा कि मुझसे अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फिर यही हदीस बयान की कि आप ताक अदद खजूरें खाते थे। हदीस नंबर 7, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स नमाज से पहले कुर्बानी कर दे उसे दोबारा करनी चाहिए। इस पर एक शख्स अबू बरदा ने खड़े होकर कहा कि
यह ऐसा दिन है जिसमें गोश्त की ख्वाहिश ज़्यादा होती है, और इसने उसने अपने पड़ोसियों की तंगी का हाल बयान किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको सच समझा। इस शख्स ने कहा कि मेरे पास 1 साल की पट्टियां हैं जो गोश्त की 2 बकरियों से भी मुझे ज़्यादा प्यारी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर इसे इजाज़त दे दी कि वही कुर्बानी करें। अब मुझे मालूम नहीं कि इजाज़त दूसरों के लिए भी है या नहीं। तो दोस्तों, ये थी वो चंद अहादीस जो ईद के मुताल्लिक सही बुखारी में दर्ज है। आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह अगले वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।